दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट को लेकर यहां से एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है। इसके अलावा परीक्षा की तारीख के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 14 लाख से ज़्यादा आवेदन है, साथ ही पीजीटी के अंदर 4,50,000 आवेदन हुए हैं। तो टीजीटी के अंदर कितने, इसको लेकर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर योग्यता विभाग, साथ ही एलटी गेट और भी तमाम अपडेट हम कवर करें। उससे पहले आप कर दो वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल से रियल एंड ऑथेंटिक आप सभी को मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी एक योग्यता का विवाद काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ है। जैसे कि एलटी गेट भर्ती की जब बात आती तो वहाँ पे योग्यता का विवाद आ जाता है, सेम टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर भी योग्यता का विवाद है। लेकिन फिर भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से लगातार टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए जाते हैं। वर्तमान में अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि एडेड विद्यालयों के अंदर कला शिक्षक बनने के लिए लाहौर की मेयो कॉलेज की डिग्री मान्य है। इंटरमीडिएट एक्ट 1921 को अगर समझे तो नियमों के आधार पे होती हैं भर्तियाँ। ये जो 1921 का एक्ट था इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे, लेकिन बावजूद इसके अंदर बहुत सारी कहीं ना कहीं जो गलतियाँ वो देखने के लिए मिलती हैं, जिसके चलते अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। पहली गलती तो ये है कि पाकिस्तानी डिग्री वर्तमान में मान्य है, क्योंकि 1921 के समय भारत एक हुआ करता था तो उस समय क्या था कि उसकी जो डिग्री थी वो यहाँ पे मान्य थी, लेकिन तब से लेकर अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। उसी को लेकर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा में बेहतरी के दावे को लेकर राजकीय विद्यालय तक की समिति अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में 100 साल पुराने नियम लागू हैं, इसलिए शिक्षक भर्ती में लाहौर के मेयो कॉलेज की डिग्री मान्य है और कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई का इंतजाम नहीं हो सका है। समान पाठ्यक्रम वाले राजकीय व एडेड माध्यमिक कॉलेज में शिक्षक भर्ती के नियम तक समान नहीं किए जा सके। प्रदेश के 2,357 राजकीय व 4,512 एडेड माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। सभी विद्यालयों में CBSE की तर्ज पर NCERT का पाठ्यक्रम लागू हो चुका है। विषयवार पढ़ाई कराने के लिए शिक्षकों की चयन अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। राजकीय मतलब की जो आपकी LT गेट भर्ती होती है और माध्यमिक मतलब की TGT PGT भर्ती, इनका जो चुनाव किया जाता है चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए कई विषयों के अंदर 100 वर्ष पुरानी नियमावली देखने के लिए मिलती है, जिसमें अभी तक संशोधन देखने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद 1921 की नियमावली बदलने को लेकर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के अंदर कंप्यूटर शिक्षक रखे जाने की तैयारियाँ हैं। निदेशालय से प्रस्ताव लेकर शासन को भेजा भी जाएगा। इसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है कि चयन की अर्हता समान करने को लेकर जो कमिटियाँ बन रही हैं, राजकीय मतलब की LT गेट, एडेड कॉलेज मतलब की TGT, इनकी चयन की अर्हता समान करने को लेकर शासन के माध्यम से जो कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, सचिव नीना श्रीवास्तव, अपर निदेशक माध्यमिक मंजू शर्मा और तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये तो बात हो जाती है LT गेट, इसके अलावा TGT PGT की योग्यता के विवाद के बारे में। अगर बात कर ली जाए TGT PGT भर्ती की एग्ज़ाम डेट को लेकर, जब भी TGT PGT भर्ती की एग्ज़ाम डेट की बात आती है तो मैंने आप सभी को कल देर शाम को भी जो जानकारी दी थी उसकी पॉइंट टू पॉइंट जानकारी आप सभी को आज भी देखने के लिए मिलेगी समाचार पत्र के अंदर, क्योंकि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सटीक होती हैं। कल देर शाम के वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को बहुत सारी बातें बताई थी। अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर परीक्षा को लेकर इस प्रकार की जानकारी बार बार आ रही है, लेकिन जो सत्य है वही आप सभी को बताया जाएगा। मनगढ़ंत जानकारी तो आपको YouTube पे चैनल बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ से सुन लीजिए। यहाँ पे आपको सत्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। चयन बोर्ड में 5 माह से सदस्यों की नियुक्ति देखने के लिए नहीं मिली है, 10 पद खाली हैं। इसको लेकर मैंने कल भी कहा था कि आगामी समय में जैसी सदस्यों की नियुक्ति होती है इसकी जो बैठक करके TGT PGT परीक्षा की तारीखों पर मोहर लग जाएगी। नीचे एक और बात लिखी हुई है कि 1 माह में मिल सकते हैं TGT PGT के चयन बोर्ड के लिए सदस्य। अब मैंने आपको यही कहा था कि सितंबर के लास्ट तक यहाँ से सदस्य आने की संभावना है या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में, और जितना समय उनको आने में लगेगा उतनी आपकी परीक्षा में। चयन बोर्ड की अगर बात की जाए 1 माह के भीतर नए सदस्य मिल सकते हैं। सदस्यों के 2 पद अपर शिक्षा निदेशक स्तर से अधिकारियों के आरक्षित होते हैं, जबकि 8 पदों के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालय में 10 वर्ष प्रधानाचार्य के अनुभव रखने वाले
डिग्री कॉलेज में 10 वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर का अनुभव रखने वाले आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 850 से ज़्यादा आवेदन भी आए हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है समझने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों की सभी 10 सदस्यों के 5 माह से पद खाली पड़े हुए हैं। कोरम के अभाव के चलते सहायक अध्यापक टीजीटी और पीजीटी के 4,163 पदों पर निकली भर्ती लटकी हुई है। उसकी वजह क्या है कि 14 लाख छात्रों ने इसके लिए आवेदन किए हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एक अध्यक्ष इसके अलावा 10 सदस्य देखने के लिए मिलते हैं। अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 2023 के अंदर पूरा हो जाएगा, लेकिन 2022 के अंदर सभी यहाँ से 8 सदस्यों का जो 8 अप्रैल को कार्यकाल है वो ख़त्म हो गया था। इसके लिए नीचे लिखा है कि टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन प्रक्रिया मार्च में शुरू हुई थी। आवेदन तिथि को लेकर बढ़ाया भी गया था। 16 जून तक आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 14 लाख के समथिंग देखने के लिए मिलती है, जिसमें टीजीटी के लिए 8 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए हैं, पीजीटी के लिए 4.5 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टीजीटी के अंदर लगभग यहाँ पे आप सभी के सामने 8 लाख से ज़्यादा आवेदन है और पीजीटी के लिए 4.5 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए हैं। यहाँ पे नीचे लिखा है कि अधिक अभ्यर्थियों ने इसके लिए जो आवेदन है वो किया है। बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कार्यकाल 8 अप्रैल 2023 को पूरा हो जाएगा, लेकिन बोर्ड में कोई भी सदस्य न होने के कारण कोरम के अभाव बना हुआ है। इसी वजह से बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही है। परीक्षा तिथि तभी घोषित की जा सकेगी जब बोर्ड के अंदर बैठक में निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में 14 लाख अभ्यर्थी नए सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात भी देखने के लिए मिली थी, जहां पर चयन बोर्ड के माध्यम से आश्वासन दिया गया था कि परीक्षा की तारीखों को लेकर वो 60 दिन पहले यहां से जो घोषणा है वो कर देंगे। तो इन शॉर्ट, अगर टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों के बारे में आपको समझना है तो कल देर रात को जो मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समाचार पत्रों में खोल कर बताया गया है। मैंने आपको कहा था कि सदस्यों की नियुक्ति सितंबर के लास्ट में होगी, परीक्षा की तारीख को लेकर चयन बोर्ड में सदस्य आ जाने के बाद बैठक होगी, बैठक हो जाने के बाद में टीजीटी पीजीटी को लेकर तारीखों का यहाँ से निर्धारण किया जाएगा और 60 दिन के पहले पहले आप सभी को परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो अब अगर देखा जाए कि अक्टूबर की स्टार्टिंग में बैठक होती है तो अक्टूबर में तो परीक्षा होगी नहीं, नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के अंत में परीक्षा हो सकती है, लेकिन चयन बोर्ड ने अभी कोई तारीख नहीं बताई है। और यही सारी की सारी जानकारी मैंने कल देर रात को आकर आप सभी को समझाई थी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। वहीं बात कीजिए अपनी अगली अपडेट की तरफ, उत्तर प्रदेश में आने वाले लेखपालों के 4,500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती को लेकर प्रदेश में इस बार अगर बात की जाए 4,443 के समथिंग पदों पर राजस्व निरीक्षकों के पद पोन्नति के कारण लेखपाल संवर्ग में 4,500 से ज़्यादा पद खाली हो गए। इन पदों को भरने की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं। प्रदेश में लेखपालों के 30,827 पद स्वीकृत हैं। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जब से पुरानी लेखपाल भर्ती में घोटाला हुआ है तब से यहाँ पे रोज़ समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी लेखपाल भर्ती को लेकर दे दी जाती है। ये भर्ती कब आएगी अभ्यर्थियों के मन में सवाल तो होगा। ये भर्ती पीईटी 2022 हो जाने के बाद आएगी। पीईटी की अभी परीक्षा हुई नहीं है, फिर पीईटी का परिणाम जारी होगा, फिर यूपीडब्ल्यूएससी इस भर्ती को जारी करेगा। मतलब कि 2023 के अंदर ये भर्ती आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। लेकिन रोज़ इसको समाचार पत्रों में आना, क्या कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से जानकारी निकलवाई जाती है? जैसे कि जब शिक्षक भर्ती की जानकारी आती तो अभ्यर्थी कहते हैं कि कोचिंग संस्थानों के माध्यम से निकाली गई है। तो अब इसको लेकर भी ऐसा ही लगता है कि यही जानकारी रोज़ रोज़ आती है, 4 दिन बाद आपको लेखपाल भर्ती मिल जाती है। फिर नीचे लिखा हुआ है कि प्रदेश में 30,827 पद खाली हैं। 1,222 लेखपालों को पुनर्नति से इस बस अप्रैल में की गई थी। इस पुनर्नति के बाद प्रदेश में अगर बात की जाए तो 19,509 पद भरे, जबकि 11,328 पद खाली हैं। इन 11,328 पदों में से 8,085 पदों के लिए भर्ती यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से चल रही है। इसके अलावा 4,400 पदों पर और भर्ती जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, उसी को लेकर यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिली है। अब जल्दी इसको लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन कब होगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले पीईटी 2022 होगा, उसका परिणाम जारी होगा, फिर कहीं जाकर लेखपाल भर्ती होगी। अब पीईटी का परीक्षा कब हो रही है? सितंबर अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर के बाद में परिणाम जनवरी फरवरी में आएगा, फिर जाकर आपकी भर्ती शुरू होगी। बाकी इसके बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करें। बात कर लेते हैं प्राथमिक विद्यालयों के अंदर। आप जानते हैं कि नए प्राथमिक विद्यालय खोलने को लेकर जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 91 विद्यालयों को जो मंजूरी है वो दे दी गई है। इसी को लेकर अगर बात की जाए पूर्वांचल के अंदर तो 40 नए परिषदीय विद्यालय देखने के लिए मिलेंगे, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, जौनपुर, मऊ, और 10 साल बाद यहाँ पे जो नए स्कूल हैं वो खोले जा रहे हैं। अब जब नए स्कूल खुलेंगे तो नए शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी। पहले से सरकार कहने की शिक्षक भर्ती को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, किसी विद्यालय के अंदर शिक्षक नहीं है। तो 23 ऐसे विद्यालय जहाँ पर ताले लगे हुए हैं 229 यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं अलग अलग राज्यों के, मतलब जिलों के अंदर, कहीं पर 50, कहीं पर 30, कहीं पर 40। अब इस प्रकार के मामलों को देखते हुए नए विद्यालय खोले जाए जो कि एक अच्छी बात है कि शिक्षकों की यहाँ से जो नियुक्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन सरकार कब तक करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल प्रदेश के अंदर 91 नए स्कूल खोले जा रहे हैं जहाँ पूर्वांचल के अंदर 40 नए विद्यालय होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।